सामान गिर गया ना उसमें, थोड़ा आगे बढ़ो थोड़ा सा इसको। साहब पुलिस कमिश्नर नहीं जिलाधिकारी, सगळ्यांनी मदत करा, बाहेर निघालं की मास्क लावायचा, भाजी मार्केटला गेला कुठे गेला काही घ्यायला गेला मास्क, मास्क आणि बरं जास्त बाहेर एकदा एक आणायला, एकदा एक आणायला आपण काय एकदा सुद्धा सांगते मी बाहेर कैट आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। सबसे पहले मैं सभी सिटीजन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एवरीबडी इज़ फॉलोइंग लॉकडाउन वेरी सीरियसली। आज सिटी साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर और लोग जिलाधिकारी, हम खुद इस एरिया में घूम रहे हैं, बहुत लोग अच्छी तरह से इसका पालन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, हमने कुछ दुकानों को विज़िट किया, कुछ स्वीट शॉप को विज़िट किया, सब तरफ ठीक चल रहा है। लेकिन और भी आगे जब भी आप बाहर निकलोगे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर मत निकलो। एक साथ आपका प्लानिंग करके जो कुछ लेना है उसका लिस्ट बना के अगर बाहर निकलोगे तो बहुत बहुत बार बाहर आने की नौबत नहीं आएगी। और जब भी बाहर जाओगे मास्क के साथ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। हमारे जो भी कर्मचारी आपके पास आते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कुछ आता है तो उसको हेल्प कीजिए। आपकी हेल्प से ही ये शहर को हम कोविड मुक्त बना सकते हैं। आपने खुद शहर का, सिटी के इलाकों का घूम के जायज़ा लिया, जनता का प्रतिसाद कैसे मिल रहा है इस लॉकडाउन का? मैं खुद पड़ेगा उससे मैंने शुरू किया था, राइट ऑफ क्रिटिकल खड़ा। सिटी साहब ने भी पहले दिन हम तीनों इकट्ठा घूमे थे, फिर म्यूनसिपल कमिश्नर, अलग अलग जगह से हम घूम रहे, लोग बहुत अच्छी तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले बोला कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द सिटीजन्स, वो सपोर्ट करेंगे तो ही ये लॉकडाउन कामयाब हो सकता है। ना रिपोर्ट आई है ना ही कहीं मुझे या हम जिलाधिकारी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हम सब लोग घूम रहे हैं ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा है। और अगर कहीं इस तरह का कोई होता भी है तो हमें उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे कि ये जो थोड़ी सी तकलीफ़ है ये एक बड़ी तकलीफ को टालने की दिशा में एक कदम है और नागरिक इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। और जैसा अभी बार बार कहा जा रहा है कि हमें उम्मीद है कि
अगर नागरिक समझदारी से बर्ताव करेंगे तो हम सभी कोरोना से मुक्त होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सर, ये दो दिन के लॉकडाउन में किन किन चीज़ों की छूट रहेंगी, ज़रा इस तरह से? इसमें ऑलरेडी जिलाधिकारी साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के सिग्नेचर से एक ऑर्डर निकला है। तो आज जो सैटरडे संडे है, इसमें सभी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सभी जो शॉप्स हैं, सभी जो बाज़ार है, उन सबको बंद किया गया है। होटल्स में डाइनिंग की सुविधा नहीं है, मात्र टेक अवे की सुविधा होटल से अलाउ की गई है। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, इंडस्ट्री है, इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके इनको भी खुली रखने की परमिशन दी गई है। जीवनावश्यक जो भी वस्तुएं हैं, दूध हुआ, सब्जी हुआ, स्टैंड अलोन किराना की दुकानें हैं, इनको खुला रखने की परमिशन है ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जो प्रशासन की तरफ से औरंगाबाद ज़िले में लगाया गया है, आज उसका पहला वीकेंड का लॉकडाउन है और ये बहुत खुशी है हम सभी को कि औरंगाबाद की जनता ने इस कोविड के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने की गंभीरता को समझकर आज बहुत स्वयंस्फूर्ति से सभी जगह लॉकडाउन किया है। शहर में सभी दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और अगर इसी तरह सभी ने प्रशासन को सहयोग अगर किया तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको नीचे लाने में सफल होंगे। और जिस तरह अभी नागरिक समझदारी दिखा रहे हैं, उसी तरह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जो जो हिदायतें प्रशासन की ओर से दी जाएगी, जो ये हिदायतें नागरिकों के हित में ही हैं, इनको समझकर नागरिक समझदारी के साथ घर से बाहर निकलेंगे और इसी तरह का अच्छा वातावरण अगर शहर में रहेगा, बहुत जल्दी हम लोग कोरोना फ्री हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपने सिटी का दौरा किया कहीं? सर प्लीज। औरंगाबाद शहर में अंशतः लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते हुए नंबर्स को देखते हुए लगाया गया है। आज संडे सैटरडे को टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नागरिकों से मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से आपने लॉकडाउन को सफल बनाया है, यही हम भविष्य में भी अपेक्षा करते हैं और ये लॉकडाउन आपको सुरक्षित रखने के लिए है, आपको कोरोना से बचाने के लिए है। तो अगर हम सभी लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, थोड़ा सा एक जागरूक नागरिक का व्यवहार करते हैं, तो कोई भी शक नहीं है कि हम अपने शहर में कोरोना रुग्ण की बढ़ती हुई संख्या को कम करने में सफल होंगे। थैंक यू।